हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 24 में और ये ब्लॉग की मैं ओपनिंग अभी ले रहा हूँ और ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, तो पूरा देखिएगा। तो अब तक तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ब्लॉग में क्या है। एक्चुअली कल मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया, जो भी कल क्लिप शूट की थी वो मुस्कान नहीं की थी हुई। कल के दिन मैं बहुत ही नर्वस था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मतलब कहाँ से चालू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। मतलब ब्लॉग का तो मेरे को ध्यान ही नहीं था क्योंकि मेरे सर में इतनी सारी चीज़ें घूम रही थी, मतलब ये करना है, वो करना है, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, और फिर ये लाना है, वो लाना है। सामान लाने में ही और बाकी सब तैयारी करने में ही मतलब मैं इतना बिजी रहा, तो मेरे को ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक्चुअली कल था मेरा टीका, एक्चुअली कल ट्विंकल के घर वाले मिलने आए थे, मेरे घर पे रिश्ता लेके आए थे। तो वही सब शादी का बात फाइनल हुआ। और कल का दिन तो मतलब मेरे 23 में मेरे को याद रहेगा, मतलब जिस टाइम का मेरे को वेट था वो चीज़ फाइनली हो गई। और कल मेरा टीका हुआ था और ट्विंकल की मम्मी आई थी, मौसी आए थे, मामा आए थे, ट्विंकल की छोटी बहन आई थी, मतलब उसके पूरी फैमिली वाले अंकल वगैरह सब आए थे। तो मैं नर्वस तो था ही। और बस आज है 24 और आज हमको जाना है, मतलब मैं, मम्मी, मासी, मामा वगैरह जाएंगे ट्विंकल के घर पे। और आज होगा रोका, तो आज का भी मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। मतलब बोलते ना, जिस चीज़ का वेट करो वो चीज़ फाइनली हो रही है, तो बहुत ही स्पेशल होगा। और अभी कुछ है दोपहर के 12:30 और अभी मैं ओपनिंग कर रहा हूँ और फिर हमें जाना है शाम को 7:30 सात या आठ के बीच में जाना है उसके घर पे। और रोका होगा और वहाँ मैं शूट करूँगा और जो जो क्लिप्स आएंगे मैं लगा दूँगा। इसमें ज़्यादा क्लिप्स तो है नहीं, बट जो भी है आप देख लेना। और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा मेरे को कुछ नहीं मालूम, जैसा जैसा चलता जाएगा। मैं मतलब मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं क्या करूँगा क्या नहीं। तो मतलब बहुत सारे काम बाकी, बहुत सारे क्या, आज जो जाएंगे और गिफ्ट शिफ्ट लेके जाने तो पूरा ही काम बाकी है। तो अभी दोपहर में जाके सब लेके आऊँगा, फ्रूट्स वगैरह, बास्केट, मिठाई की बास्केट सब बनवानी है, तो अभी वो सब जाऊँगा बनवाने। अभी तो पहले मैं नाश्ता कर लूँ। और फाइनली तुम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आज आपको देखने मिलेगी, आज उनसे आप रूबरू होंगे फाइनली मेरे ब्लॉग में आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, आप देखते जाइए। एंड थैंक यू वेट करने के लिए, आपने इतना वेट किया, आप सब बोलते थे कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो फाइनली ला रहा हूँ अपने। बस अभी मैं बाहर से आया हूँ अपना काम करके। अब देखो ये दोनों को, दोनों मुँह सड़ा के बैठे, इनको कार्टून देखना है। कार्टून देखना है या यूट्यूब? क्या देखना है? तू कब से देख रही है नायरा? तू कब से देख रही है? तू परेशान कर रही है ना रुतवी, लगाई नहीं रही सफा वीडियो। नायरा आज रोका है मेरा है? आज रोका है मेरा, मतलब मेरी शादी होने वाली है। पता है कब का? कब है मेरी शादी मालूम है? जुलाई। जुलाई में नहीं है पागल, टाइम है। वैसे भी डेट फिक्स नहीं हुई है और जब होगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस अभी बाहर से आया हूँ, बहुत गर्मी है बाहर अभी। मम्मी और मुस्कान भी गए बाहर सामान लेने, मैं भी जाऊंगा थोड़ी देर में, मेरे को भी कुछ सामान लेके आना है। ट्विंकल के घर वाले मेरे घर पे आए थे, क्या क्या हुआ, रस्म हुई, मतलब मेरा टीका किया गया था, तो वो सब आप देखो जब तक। फिर वो वीडियोस के बाद शाम से हम कंटिन्यू करेंगे, हम ट्विंकल के घर जाएंगे, रोका होगा तो वो सब कंटिन्यू होगा। तो बस आज तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल, कल भी स्पेशल डे था, आज भी स्पेशल डे है, तो ये दो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेंगे, मतलब फाइनली मेरी शादी हो रही है गाइस। Baba,
अरे वो वाली नेट और वो फ्लावर और कितनी बास्केट है? 7 6 ये है और 8 वो मिठाई। तब मिठाई कहाँ है? मिठाई भूल गई? ये ले तू मिठाई, ये खा, कितनी सारी है। मैंने फाइनली हमारे अंकित भैया चले दूल्हा बनने। और कैसा लगा? पीछे पड़े रह रहती कब आ रहे कब आ रहे, पूछते रह रहती बार बार कब आ रहे कब आ रहे कब कर रहे। अच्छा लगा आ गए। तुम्हें खुशी हुई हमें बहुत हैं, बहुत खुशी हुई और रोना भी आ रहा। ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। अरे खुशी का मामला तो खुशी का ही होता है। अरे ये तो और क्या चाहिए हमें। फाइनली हो गया। वेट करने के बाद, सब्र रखने के बाद रोका हो गया। अभी शादी और सगाई को तो बहुत टाइम है, मतलब टाइम लेके करेंगे। और ऐसा रिलैक्स्ड फील हो रहा है ना अभी मेरे को। और मैं सच बता दूँ, मेरे को मतलब मेरे ससुराल वाले बहुत ही प्यारे मिले, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं। इतना पेड़ भर के खिलाते पिलाते हैं। और अभी कल भी बुलाया था, कल भी बहुत सारा खाना भेजा था घर पे। फिर मतलब चले जाओ, एक बार चले जाओ तो बिना खाए पिए इतना सारा नाश्ता, इतना सारा खाना ला के रख दिया था। मतलब मैं कहाँ से खाऊँगा? और एक तो मेरी एपेटाइट बहुत ही कम है, और इतना सारा मतलब एकदम पेड़ भर के खिला के भेजते हैं। और स्पेशली तो उसके घर वाले इतने मतलब प्यारे हैं, इतने ओवरवेलमिंग है, और मतलब इतना प्यार से ट्रीट करते हैं। और स्पेशली उसकी मॉम, उसकी मौसी, उसके मामा, उसकी छोटी बहन, घर में सभी प्यारे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दूसरे के घर गए थे, और मतलब ऐसा लगा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं। और बस ये था एक छोटा सा व्लॉग मैंने ट्राई किया था बनाने का,
और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी से जल्दी 2 लाख करा दो यार। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।